आज पार्टी मुख्यालय में हमारे खेरवार भक्ता समाज के युवा अध्यक्ष है, जिन्होंने अपने राज्य के अपने सामाजिक संगठन को एकत्रित करते हुए बेहतर नेतृत्व देते हुए एक लंबे जो सामाजिक इनका डिमांड था उसको समाज के साथ मिलकर नेतृत्व देकर उसे सफलतापूर्वक लड़ाई को जीत कर अपने समाज को हक दिलाया। आज ये नेतृत्व सामाजिक चेतना से ऊपर उठकर राजनीतिक चेतना में के साथ एक राजनीतिक भागीदारी सहभागीदारी के लिए सामने आए। उमेश जी युवा अध्यक्ष के रूप में सुमार थे, अब सामाजिक से राजनीति से ऊपर उठकर इस राज्य के राजनीतिक दायित्व में सहभागी बनने के लिए आज संगठन में अपने साथियों के साथ योगदान दिया। मैं इनको अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि राजनीति में इनका पदार्पण हुआ है। उम्मीद करते हैं कि अपने नेतृत्व से इस राज्य के आवाम और ऐसे ही दबे कुचले लोगों का भावनाओं का सम्मान करते हुए उन्हें एकत्रित करने में अपना योगदान देंगे और सभी लोगों को खास से आम लोगों तक में एक राजनीतिक वैचारिक जो लड़ाई भाजपा पार्टी का है उसका नेतृत्व करेंगे। मेरी शुभकामना इनके साथ है, इनके पूरे ग्रुप इनके पूरे साथियों के साथ है। मैं धन्यवाद देता हूँ। कल से कुर्मी समाज का आंदोलन शुरू हो रहा है, एसटी का दर्जा वो लोग चाहते हैं, आंसू का क्या स्टैंड रहेगा सर, क्योंकि इनको लड़ाई आपकी भी रहेगी आप लोगों के लिए? नहीं, ये स्पष्ट रूप से ये एक सामाजिक रूप से इस लड़ाई को लगातार वर्षों से लड़ा जा रहा है। हम लोग संगठन के रूप से भी हमेशा ऐसे छुटे हुए सामाजिक जो वर्ग हैं जिन्हें पूर्व में आज़ादी से पहले जिस कैटेगरी में सुनिश्चित किया गया था उसी कैटेगरी में स्थापित होने की बात समाज के अंदर चल रहा है, उसका चर्चा चल रहा है, उसका आंदोलन चल रहा है। ये कई दौर का आंदोलन पहले भी हुआ है और एक कल से भी एक आंदोलन चल रहा है। समाज के अगुवा, समाज के लीडर, समाज के लोग एकत्रित होकर ये भावना कल वह एक आंदोलन में उतर रही है। वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से इस पे विचार होना चाहिए। आप लोगों का नैतिक समर्थन है इस आंदोलन को? नहीं, केवल नैतिक नहीं है ये बात, मैं अपने प्लेटफॉर्म सामाजिक प्लेटफॉर्म राजनीतिक प्लेटफॉर्म में भी मैं चर्चा हमेशा करता रहा हूँ और इसको लेकर हम लोग चाहे जिस प्लेटफॉर्म में हम लोग लगातार इस बात को करते आए कि सामाजिक न्याय की बात करें तो कोई समाज को पीछे छोड़कर या उसको उसके हक से दूर रखकर सामाजिक न्याय की कल्पना किसी प्रदेश में पूरा नहीं हो सकता है। ये केवल हमारे स्टेट का नहीं, ये बंगाल के भी सीमावर्ती एरिया में और उड़ीसा के भी सीमावर्ती एरिया के इस समाज का एक बड़ा प्रॉब्लम है और उसको अलग अलग रूप से अलग अलग समय समय पर लोग सरकार को और सरकार के जो भी देखने वाले हैं या इसको हल करने वाले संस्थाओं के साथ इनका संबंध बना रहता है। हमारे संगठन के प्रतिनिधि भी व्यक्तिगत रूप से हम लोग भी इस विषय में हमेशा संवाद करते आए हैं कि इसका हल निकलना चाहिए। XT600 HCR TMT Reba. पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते हैं अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।